सीजीआई चंद्रचूड ने बताया अपना अनोखा मिशन। अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? प्रत्येक नागरिक तक बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड अपने फैसलों और बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। महिलाओं और शोषित वंचितों के हकों के लिए किसी से भी भिड़ जाते हैं, चाहे सामने मोदी सरकार ही क्यों ना हो। सीजीआई अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान समारोह को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि देश में समानता को बनाए रखने के लिए आपसी बंधुता जरूरी है। उन्होंने सवाल किया, अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें संविधान की भावना के अनुरूप एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ एक न्यायप्रिय जज हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएस टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समानता के लिए आपसी बंधुता जरूरी। प्रधान न्यायाधीश के मुताबिक कहने का मतलब यह है कि देश में समानता को बनाए रखने के लिए आपसी बंधुता जरूरी है। अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए जब हम हमारा संविधान हमारा सम्मान कहते हैं तो हमें इस बात पर भी जोर देना होगा कि हम देश में बंधुता व भाईचारे को भी बढ़ावा दें। इन भावनाओं को अपने निजी जीवन में आत्मसात करें। देश के नागरिकों को यह भी समझना होगा कि एक तरफ जहां संविधान उनके अधिकारों की बात करता है, दूसरी तरफ ये भी उम्मीद करता है कि देश के नागरिक अपने दायित्वों को निर्वहन करें। संविधान का परिचय कराने में राज्य की भूमिका। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान और उसके मूल्यों से लोगों का परिचय करवाने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान समावेशी तौर पर बनाया गया था। कानून के समक्ष समानता का अधिकार संविधान देता है। इसमें निहित सिद्धांत व अधिकार सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, धर्म, जाति, लिंग या कोई अन्य विशेषता कुछ भी हो। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें समान अवसर प्राप्त हों। भारतीय संविधान की ये कई विशेषताएं उसे सभी समूहों के बीच स्वीकार्य बनाती हैं। प्रत्येक नागरिक तक बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। देश के सभी लोगों, विशेषकर ग्रामीणों को संविधान से परिचित कराने की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने कहा, हमारा देश आज भी गांवों में बसता है। उनमें रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमें संविधान एवं इसके मूल्यों से परिचित कराना है। जब तक संविधान की बात देश के गांवों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारा मिशन अधूरा रहेगा। संविधान की भावनाओं को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव व केंद्रीय विधि राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद थे।